श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए, आज 120 वर्ष के बाद माघ नक्षत्र में माघी पूर्णिमा पड़ी है, और वो भी शनिवार के दिन। और आज की रात्रि में चार बाती वाला दीपक आपको जलाना है। आज के इस पूरे वीडियो में हम चार विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो आपको आज शनिवार की इस पूर्णिमा पर करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, देखिए आज केमद्रुम योग है, जिसमें चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और ये योग जो है गलत निर्णय की ओर ले जाता है। लेकिन माघी पूर्णिमा पर ये योग बना है, तो ये भयंकर होने की बजाय अत्यंत शुभकारी हो जाता है। और इसीलिए इस योग में आपको चार विशेष उपाय करना है। देखिए, पहला जो उपाय होगा वो दूध से त्रिपुंड बनाना है। दूसरा उपाय, तुलसी जी में पीले चावल अर्पित करना है। तीसरा उपाय, हल्दी वाले जल का उपाय करना है। और चौथा, चौमुखी दीपक का विशेष उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके, समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते भाई, हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये है दूध का त्रिपुंड बनाना है, और आपके घर के, आपके जीवन के तनाव दूर हो जाएंगे। बहुत ही विशेष सा उपाय है, देखो, समझना। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, तो सबसे पहला उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, इस उपाय को करने के लिए मात्र एक चावल का दाना आपको लेना है, ठीक है। चावल के दाने के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र, और उसके साथ में आपको लेना है कच्चा दूध, ठीक है। कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, 2 चम्मच कच्चा दूध लेना, बाकी शुद्ध जल मिला देना स्टील के पात्र में, ठीक है। और साथ में लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है, त्रिपुंड का उपाय होने वाला है, जो कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है, जो कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ाता है। देखो, यदि आपके घर में ग्रह क्लेश भी होगा ना, तो भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, देखो समझना। ये जो उपाय है सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कर सकते हैं। देखो, विशेषकर पूर्णिमा पर रात्रि का महत्व होता है, तो सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। देखो, करना क्या है, एक चावल का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। अब इसी चावल के ऊपर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, धन से जुड़ी हुई, परिवार में ग्रह क्लेश होता है वो दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करते हुए ये एक बेलपत्र आपको चावल के ऊपर रखना है, ठीक है। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, बेलपत्र उल्टा रखना, चिकना वाला साइड भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। आगे आपको क्वेश्चन में, अब आपके पास जो कच्चा दूध है, कच्चा दूध आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, ठीक है। जैसे ही आप कच्चा दूध अर्पित करोगे, तो भगवान शिव के शिवलिंग से कच्चा दूध नीचे की तरफ आएगा। कच्चा दूध जैसे ही आपने पूरा अर्पित कर दिया, आपने लोटा साइड में, आपने आपका जो लोटा है आपने दूसरा हाथ में पकड़ा, और आपके सीधे हाथ की जो बीच की 3 उंगलियाँ है, जिसमें जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं ना, वो 3ों उंगली आपको महादेव के शिवलिंग पर लगा देनी है, और आपकी मनोकामना बोल देनी है। आगे आपको बात समझ में, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। कच्चा दूध अर्पित करोगे, उसके बाद आपको ये 3ों उंगली स्पर्श करवा देनी है, और आपकी मनोकामना बोल देनी है, ठीक है। मनोकामना बोलने के बाद ये कच्चे दूध वाली जो उंगली है, ये 3ों उंगली आपके आँखों पर, मस्तक पर आपको स्पर्श करवा देनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंत में जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, वो लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तो देखो, बस इतना सा उपाय करना है, और आपकी जीवन की समस्त मनोकामना जो है वो त्रिपुंड वाली उंगलियों से परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। चावल का उपाय, देखो, यदि आपके घर में संपदा की कमी है, आपके घर में किसी का भी भाग्य अगर कमज़ोर पड़ा हुआ है, भाग्य चमकने का नाम ही नहीं ले रहा है, भाग्य का उदय ही नहीं हो रहा है, और आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में पीले चावल, देखो चावल जो होते हैं वो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, और पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होती है। और चावल में अगर आप हल्दी डालते हैं, चावल महालक्ष्मी को प्रिय, हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय, तो चावल के अंदर जब हल्दी मिलाओगे ना, तो गीली हल्दी मिलाना, थोड़ी सी गीली हल्दी मिलाना, और चावल का बस रंग पीला हो जाना चाहिए, और उन्हीं चावल, पीले चावल से आपको ये उपाय करना है, जो कि जीवन को समृद्ध बनाएंगे। समझना कैसे करना है, ये चावल लेना, अक्षत लेना, थोड़े से 11 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 21 भी ले सकते हो, जितने दाने आपको लेना है
यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट नहीं करा है, थोड़े से चावल के दाने आपको ले लेना है। चावल के दाने के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देना है और चावल को पीला कर लेना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है एक दीपक, गोल बाती का दीपक ले सकते हैं, लंबी बाती का दीपक ले सकते हैं, दोनों दीपक में से जो आपको लगे आप ले सकते हैं, ठीक है। गोल बाती का करोगे तो भगवान विष्णु के निमित्त हो जाएगा, लंबी बाती का करोगे तो महालक्ष्मी के निमित्त हो जाएगा। घी भरना दीपक के अंदर। अब आपको आज की रात में आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी विराज रही हों वहाँ पर आपको जाना है और तुलसी माता के चरणों में ये चावल यानी कि अक्षत के दाने आपको अर्पित कर देना है। पूर्णिमा की रात्रि बहुत दिव्य रात्रि, देखिए पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं वहाँ पर आपको तुलसी जी के वहाँ पर जाना है और पीले चावल जो है हल्दी के चावल, देखो चावल हल्दी के भी कर सकते हो, सफ़ेद चावल भी ले सकते हो। पीले चावल भाग्य का उदय करते हैं, पीले चावल घर में खुशियाँ लेकर के आते हैं, पीले चावल जीवन से दुर्भाग्य को दूर करते हैं और इन्हीं चावलों के ऊपर आपको एक ये गोल बाती का दीपक का दान करना है। आप जब ये दीपक का दान करेंगे महालक्ष्मी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का स्मरण करेंगे और तुलसी जी की जड़ में उत्तरमुखी होकर के आपको प्रार्थना करनी है, जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। मात्र 11 चावल के दाने आपको लेना है, ठीक है। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष बात का ध्यान रखना, ठीक है। 11 चावल के दाने ले लिए, स्टील का पात्र लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डालना 2 चम्मच, उसके अंदर शुद्ध जल डालना और उसके बाद साथ में लेना है एक चुटकी हल्दी, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको आप ही के घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको जाना है और सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करना है। क्या करना है, आपको कच्चे दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है, ठीक है। हल्दी डाल दी और उसके बाद 11 चावल के दाने भी जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है, कच्चे दूध के अंदर आपको डाल देना है और डालोगे तब आपको इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएंगे, मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंत्रों से ही विशेष प्रभाव होता है। क्रिया तो कर ही रहे हैं साथ में मंत्र का जाप भी हो जाता है, तो मंत्र की भी शक्ति और क्रिया की भी शक्ति ये मिल करके और हमारे भाव शुद्ध भाव भी अगर मिल जाते हैं तो हमारी समस्त मनोकामना जो है वो परिपूर्ण हो जाती है। तो देखो अब आपको क्या करना है, ये जो पात्र है ये आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर देना है। आप जब अर्पित करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। ध्यान रखना जिसे आपने अर्पित करा उसके बाद जो तुलसी जी की मिट्टी है उसको छूना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। तुलसी जी की जड़ में आपको हाथ रखना है, दोनों हाथ रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो बोल देना है और उसके बाद हाथ जोड़ करके आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो ऐसे आपको प्रार्थना करना है। ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, चौमुखी दीपक का। आपको आज रात्रि में 9:15 पर करना है। देखो चार दिशा वाला ये दीपक है, चार दिशा वाला चौमुखी दीपक का ये उपाय आपको विशेष उपाय करना है। देखो किस प्रकार से करना है समझ सकते हो। देखो चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है, आटे का माटी का जो लेना वो ले लेना, लंबी लंबी बातियाँ आपको लगाना है, चार दिशाओं की चार बातियाँ आपको लगाना है। दीपक के अंदर आपको घी भरना है, दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है और दीपक के अंदर एक चुटकी काले तिल डालना है और ये चौमुखी दीपक आपको तैयार कर लेना है। ये चौमुखी दीपक आज आपको रात्रि में 9:15 का जो समय है, 9:15 से लेकर के 11:15 के बीच में, 11:30 के बीच में आप ये दीपक का दान करके आएंगे पीपल वृक्ष की जड़ में। पीपल वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का स्मरण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना और ये दीपक का दान आज के दिन सुख संपदा ऐश्वर्य कीर्ति वैभव लक्ष्मी इन सभी की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए ये चौमुखी दीपक का दान करना। चारों दिशाओं से जीवन में सुख आए, जीवन में समृद्धि आए, जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति आए ऐसी कामना करते हुए चौमुखी दीपक का दान आज के दिन करना है। पीपल के वृक्ष में भी कर सकते हो, पीपल के वृक्ष में भी कर सकते हो, बरगद के वृक्ष के वहाँ पर भी कर सकते हो या आंवले के वृक्ष के वहाँ पर भी कर सकते हो। जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। का ये हो गया चौथा उपाय। देखिए अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।